इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है, यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बात भी हो रही है, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूता पड़ा है। एक्सपर्ट अक्सर ये बात मानते हैं कि समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कई ज्यादा रहस्यों से भरा और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। आखिर वो कौन सी चीज है जो समुद्र को इतना जानलेवा बनाए हुए है, आइए जानते हैं। अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 300 घंटे चंद्रमा की जमीन पर बिता चुके हैं, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4,00,000 किलोमीटर है। वहीं समुद्र के सबसे गहरे तल पर 3 लोग मिलकर लगभग 3 घंटे ही रह सके। समुद्र की इस गहराई को चैलेंजर डीप कहते हैं। ब्लूड्स होल ओसनोग्राफिक के अनुसार समंदर की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। वहीं इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं। ये जगत प्रशांत महासागर के नीचे मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है। ये लगभग 36,000 फीट गहरा है। साल 1875 में पहली बार इसका पता लगा, तब से इसके करीब जाने की कई कोशिश हुए, लेकिन हर बार नाकामयाब रहे। समुद्र में सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप में अब तक 3 घंटे ही बिताए जा सके। सांकेतिक फोटो यानी कि कैसा है चैलेंजर डीप, क्या आपने कभी सोचा है? नाम तो सुना है, बट क्या आपने कभी देखा है कि चैलेंजर डीप कैसा है? यहाँ गहराई इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल अंधेरा है। चैलेंजर डीप का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ ही कम होता है। इस जगह जाने के बाद भी लोगों को यह पता नहीं लग सकता है कि यहाँ जीवन है या नहीं। सी एनिमल्स भी वहीं रहते हैं जहाँ रोशनी हो। यहाँ पर दबाव 15,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच है। ये धरती पर दबाव से 1,000 गुना से भी ज्यादा है। आसान तरीके से इसे यूं भी समझ सकते हैं कि अगर किसी शख्स पर एक बार 50 जबो जेट्स का वजन पड़ जाए, तब जो प्रेशर बनेगा चैलेंजर डीप के हर इंच पर इतना दबाव है। चलिए चैलेंजर डीप को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या वजह है जो समुद्र के भीतर गहराई तक जाना लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के सफर से ज्यादा मुश्किल है? इसकी एक नहीं कई वजह हैं। सबसे पहला कारण है कि समुद्र के भीतर प्रेशर है। सिर्फ समुद्र के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने लगता है। ये गहराई के साथ बढ़ता ही चला जाता है, वही अंतरिक्ष में दबाव 0 हो जाता है। समुद्र के तल पर लाखों हजारों का मलबा जमा हुआ है। सांकेतिक फोटो देखिए, ये है पानी के ऊपर से गुजरते हुए कई हवाई जहाज गायब हो गए और पानी के जहाज भी एकदम से कहीं लापता हो गए। जैसे एग्जांपल में है टाइटैनिक जहाज, ये कैसे डूबा, क्यों डूबा, आज तक इसका सही कारण पता नहीं लगाया जा सका। फिर इनका कुछ पता नहीं लगा। ये बरमूडा ट्रायंगल है जो अपने दायरे में आई हर चीजों को निकल जाता है। इसे धरती का ब्लैक होल भी माना जा सकता है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर का ये त्रिभुजाकार हिस्सा अब तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानने वाले एक्सपर्ट भी इसे पैरानॉर्मल थ्योरी से जोड़ते हैं। यहाँ तक कि इस जगह पर जाकर अमेरिकी बमबर्षक विमान भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इसके बाद इस जगह को डेविल ट्रायंगल नाम दिया गया। अब समुद्र के खोज में लगे लोगों को ये डर भी है कि कहीं इस जैसी कई और जगह तो गहराई पर नहीं होगी। सी एनिमल्स भी है खतरनाक। समुद्र के भीतर तरह तरह के जानवर भी है जो डर स्पेस में नहीं। बेहद खूबसूरत दिखने वाले जेलीफिश की कई किस्से
भी इतनी घातक होती है कि उनके छूने से सीधे नर्व्स सिस्टम काम करना बंद कर देता है। नेशनल ओशन सर्विस के अनुसार ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश समुद्र में अब तक खोजा गया सबसे खतरनाक सी एनिमल्स है। इसके अलावा पफर फिश भी है जो 30 इंसानों को मिनटों में मार सकती है। इनके जहर की अब तक कोई काट नहीं मिल सकी है। सी एनिमल्स पर अभी तक पूरी स्टडी नहीं हो सकी है। सांकेतिक फोटो देखिए, सी एनिमल्स ऐसे भी होते हैं। हाल में हादसे का शिकार हुई पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई हुई थी। ये अकेला जहाज नहीं बल्कि हजारों सालों में पता नहीं कितने जहाज समुद्र की गहराई में समा चुके होंगे। इंटर गवर्नमेंट ओशनोग्राफिक कमीशन अनुमान लगाता है कि समुद्र के तल पर 3 मिलियन से भी ज्यादा जहाजों का मलबा जमा होगा। ये अपने आप में खतरनाक है। इसमें फंसकर तकनीकी रूप से अच्छे जहाज भी खत्म हो सकते हैं। समुद्र में वैसे तो जमीन की बजाय बिजली गिरने का खतरा कम होता है, लेकिन ऐसा हो तो मामला काफी पेचीदा हो जाता है। पानी कंडक्टर का काम करता है और बिजली अपने आसपास हर चीज को खत्म कर देती है। समुद्री पानी में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो मांस को खा जाते हैं। ऐसे कई मामले आते रहते हैं जब समुद्री पानी में एक्सपोज होने के बाद लोग इस पर बैक्टीरिया का शिकार हो गए। शार्क और व्हेल जैसी मछलियां लगभग 90% मामलों में बिना उकसाए ही हमला कर देती है। हालांकि असल खतरा वो सी एनिमल्स है जिनसे अब तक हमारा सामना सामना नहीं हुआ। समंदर के भीतर लगातार तूफान आते रहते हैं। इसका कुछ हिस्सा ही धरती पर दिखता और तबाही मचा देता है। ऐसे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि गहरे पानी में कैसी हलचल मची रही होगी। फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।